मेरा रात को ऐसे मन कर रहा था कि नहीं जाता मैं। कभी सुबह उठ के ऐसा फील किया है कि कहीं जाने का मन नहीं है, स्पेशली जहाँ जाना है, और दिन कुछ उसका ऑपोजिट निकला। ये एक्चुअली मेरी मॉम का फेवरेट है। मम्मी एटलीस्ट हफ्ते में एक बार बोलती है कि तेरे हाथ का ऑमलेट खाना है। एंड आई एक्ट वेरी प्राइसी। अब तो सच बोल दे। नहीं नहीं, जैसे ही मम्मी बोलती है मैं रेडी रहता हूँ बनाने के लिए। सो ऑमलेट बन के तैयार है। मैं 11th में दो बार फेल हुआ था। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। बट मैंने मैंने स्कूल नहीं छोड़ा था। टीचर थे, फेवरेट टीचर थे कंचन सर, तो उन्हीं के पास गया मेरा सर, मुझे पढ़ना है, मुझे निकलना है यहाँ से। तो देखो यहाँ से अगर शहर से निकलना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँ सर, तो बोलते वापस फॉर्म भर दे 11th के। तो 11th के मैंने थर्ड टाइम फॉर्म भरे थे। और जूनियर्स जो मेरे सीनियर हो गए थे उनकी फेवरेट पार्टी में कुर्ता पजामा पहन के गया, समोसा चाय खा के आया। बहुत बार क्या होता है कि आपकी इंसल्ट हुई, आपने वो जगह छोड़ दी, आपने स्कूल चेंज कर दिया, कॉलेज चेंज कर दिया, बिकॉज़ कि वहां मैं कैसे मुंह दिखाऊं। डोंट बी दैट प्लेस जहां पर आपकी इंसल्ट हुई, जहां आपको लगा कि आप हार गए। डोंट नेवर एवर लीव दैट स्पेस, बिकॉज़ ये एक आदत स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से बन गई, तो द रेस्ट ऑफ द लाइफ आप कैरी करेंगे। जहां आपको लगेगा रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, आप छोड़ दोगे। बात तो सही है। जहां लगेगा कि मुझे जॉब में यहां सेटिस्फेक्शन नहीं, आप छोड़ दोगे। बात तो सही है। तो आप चीजें छोड़ते चले आओ। सो डोंट गिव अप, डोंट लूज योर होप। के लिए पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है लाइफ। जस्ट कीप गोइंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई वाज ट्रूली इंस्पायरिंग टू ऑल ऑफ अस स्टूडेंट्स। But I think that was one of the best decision that I didn't left the school. First of all, thank you so much. This is my second time. KC College में गया था, I think 2017 और 18, I guess, yeah, 18. अब pandemic के बाद अब जा रहा हूँ। बहुत ही प्यार से बुलाया गया है, बच्चे हैं, वेट कर रहा है। भले मेरा मन नहीं है, भले मैं टायर्ड हूँ, इट डजंट मैटर। 2019 में बिफोर पैकेजिंग आया था। एंड थैंक यू सो मच फॉर द बुके एंड एक महीने का राशन हो गया। एन आर्टिस्ट दैट इज ट्रू टू हिज आर्ट, प्लीज वेलकम मिस्टर अनिल चरणजीत सर। मतलब कमाल, ग्लैड आई केम। मुझे कल तक लग रहा था कि जाऊंगी नहीं जाऊं, ग्लैड आई स्टेड। क्या परफॉर्मेंस है, तीन परफॉर्मेंस तो सुपर्ब थे। काफ़ी समय से डांस छूटा, ये देख के वापस इंस्पिरेशन आ गई। ओके, एक तो फ्लावर्स, शी लव्स इट। सेकंड जो हैम्पर मिला है ना, मम्मी को बड़ा मज़ा आता है कि उसे हैम्पर छोटी छोटी चीज़ें। खाने